गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 के जीके में पढ़ेंगे। पार्ट 1 है ये। इसका शीर्षक है बर्फीला मौसम। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम गर्मी के मौसम में कहाँ जाना पसंद करते हैं? हाँ, ठंडे प्रदेशों में। बिल्कुल ठीक बच्चे, जब हम सब मिलकर पिकनिक ले जाते हैं तो हम रात के समय कैंप फायर करते हैं और किसी एक विषय के संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बर्फीला मौसम। कि बर्फीला मौसम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आज बताया गया है इस चैप्टर में कि सभी बच्चे कैंप में आए हैं और सभी रात में खेल खेल रहे हैं और सभी बर्फीले मौसम के जानवरों के बारे में। इस चित्र में दिखाया गया है कि बर्फीले स्थानों में कौन कौन सा जानवर पाया जाता है। देखिए, सफ़ेद भालू, सफ़ेद खरगोश, आर्का, वालरस और पेंगुइन। आज हम इन्हीं जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्न पूछेंगे कि इन्हें क्या क्या कहते हैं। इनका रंग सफ़ेद भालों से ढका शरीर, इसमें बर्फ़ से छिपकर दुश्मनों की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? सफ़ेद भालू। हाँ, दूसरा प्रश्न है, यह जानवर झुंड में रहता है और दो लंबे लंबे दांत इनकी पहचान है। इस जानवर का नाम बताइए। इस जानवर का नाम है वालरस। अब तीसरा प्रश्न है, यह पक्षी उड़ नहीं सकता परंतु वह एक अच्छा तैराक होता है, इसे कहते हैं पेंगुइन। अब आपके सामने है पांचवा प्रश्न, इसे हथियारी वेल भी कहते हैं, इसको बोलते हैं आर्का। इसका उत्तर है आर्का। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पूछते हैं आपसे कि सफ़ेद जानवर की इस प्रजाति को जो गाजर भूत खाता है, तो बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जिसे गाजर भूत पसंद होता है, उसे कहते हैं सफ़ेद खरगोश, जो बर्फीले स्थानों में भी पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और पूछते हैं आपसे, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले हिरण की प्रजाति के इस जानवर के खुर बर्फ पर चलने के लिए उपयोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैरिबू। अब आखिरी क्वेश्चन है, यह स्तनधारी चूहे जैसा दिखता है और इस जानवर जो बर्फीले स्थानों में रहता है, इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं आर्मिन। ओके बच्चों, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।